नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का टाइप टू। एक वीडियो मैंने इससे पहले बता चुका हूं, ये दूसरा टाइप है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, चाहे आप झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, भारत के किसी भी स्टेट के हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कैसे आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। देखो, पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूं। आप क्या करोगे, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करने का रूल है। अगर जोड़ रहे हो तो दोनों साइड जोड़ो, घटा रहे हो तो दोनों साइड घटाओ, स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों साइड स्क्वायर करो। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो तो वन का स्क्वायर वन और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए और बी की जगह क्या लिखना होगा, वन बाई एक्स बराबर क्या, सिक्स का स्क्वायर। तो देखो तो एक्स एक्स कैंसल हो गया और क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा, टू बराबर सिक्स का स्क्वायर। तो देखो तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, इसी का वैल्यू। तो माइनस टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू, सिक्स का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा, छह का स्क्वायर छत्तीस और दो कितना हो गया, अड़तीस। तो हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, 38। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसा इतना प्रोसेस करेंगे नहीं, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहे तो आपको क्या करनी है, जो भी यहां वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो भी वैल्यू, सपोज करो इसका वैल्यू दिया हुआ a, तो आप क्या करना, a का स्क्वायर और फॉर्मूला में माइनस टू ए भी था ना, तो माइनस उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको करना है टू प्लस में ए स्क्वायर प्लस टू। चलो, तो क्वेश्चन मेरा क्या था, यहां पर सिक्स था तो सिक्स का स्क्वायर और जोड़ दो टू, तो छह का स्क्वायर छत्तीस और दो अड़तीस आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो जो भी यहां रहेगा उसका आप स्क्वायर करना और दो जोड़ देना। क्लियर है? जल्दी से एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। x माइनस वन बाई एक्स बराबर सपोज करो है मेरा फाइव और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पांच का कर देंगे स्क्वायर और दो जोड़ देंगे, कितना होगा, पांच का स्क्वायर पच्चीस और दो सताइस आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन जल्दी से आप बताओ तो, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर है मेरा बारह, ट्वेल्व, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बारह का स्क्वायर वन फोर्टी फोर और दो हम लोग को एड कर देना, कितना हो जाएगा, 146 आंसर। आप देखकर आंसर बता सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जल्दी से बताना। x माइनस वन बाई एक्स बराबर दिया हुआ 20, आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, 400, 402, 398, none of these, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो आप जान रहे हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो माइनस टू ए भी होगा और माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू। देखो यदि ये प्लस में रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस टू ए भी होता है और प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू। तो यदि ये प्लस में रहेगा तो माइनस करना, माइनस में रहेगा तो प्लस करना, कितना, टू। तो चलो जल्दी से बीस का स्क्वायर कर दो, 400। अब माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस टू कर दो, कितना हो गया आंसर, 402। क्लियर है? यही क्वेश्चन यदि ऐसा रहता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 20 और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या करते, 20 का स्क्वायर यहां पर भी करते, यहां भी किए यहां भी करेंगे,
लेकिन यहाँ प्लस वाला है तो प्लस टू ए बी, ए और बी तो कट जाता है तो प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, इसमें माइनस कर देना तो कितना आंसर हो गया, 20 का स्क्वायर 400 में दो घटा दो 398। क्लियर है? तो प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, यदि यहाँ माइनस है तो मेरा प्लस होगा और यदि यहाँ प्लस है तो होगा माइनस। क्लियर है? दोनों टाइप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग टाइप थ्री देखेंगे, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, आप लोग क्या करना कमेंट में उसका मेरे को जवाब देना। सपोज करो क्वेश्चन है x प्लस वन बाय एक्स बराबर है मेरा 5 और हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताना। x प्लस वन बाय एक्स बराबर है 5, आपको क्या पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू कितना होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। थैंक यू।